डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 7 लेक्चर 1। हम लोग अब दोबारा से रिज्यूम कर रहे हैं समर टास्क आपका, समर वेकेशन में हम यूनिट 4 से स्टार्ट करेंगे आपका। हम मंडे को, ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे को, यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे को, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को आपको लेक्चर डिलीवर किया जाएगा और सैटरडे वाले दिन आपको इसका असाइनमेंट दी जाएगी। यानी मंडे से ट्यूसडे या फोर डेज जो आपको काम करवाया जाएगा उसका जो उसका असाइनमेंट है वो आपको सैटरडे को डिलीवर की जाएगी, ताकि आपको चेक किया जा सके कि आपने कितना काम परफेक्ट सीख लिया है। डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्ट क्लास 7 लेक्चर 1 विच इज बेस्ड ऑन स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट यूनिट 4 के ऊपर। अब हम स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स के ऊपर सबसे पहले डेफिनेशन बयान करेंगे। सबसे पहले स्क्वेयर की डेफिनेशन क्या होती है। स्क्वेयर हमारे पास क्या है, अ परफेक्ट स्क्वेयर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ इक्वल वैल्यूज। अब हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं स्क्वेयर को। स्क्वेयर क्या होता है, हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वेयर जो होता है वो ये होता है, एक ही जैसी सेम वैल्यूज को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वेयर आता है। मसलन मैंने एग्जांपल दी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, 2 2 4 होता है, ये 2 का स्क्वेयर या उसकी पावर 2, ये हमारे पास इसका 2 स्क्वेयर कहलाता है। स्क्वेयर क्या, परफेक्ट स्क्वेयर का मतलब है इक्वल वैल्यूज को, दो इक्वल वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वेयर आता है। जैसे 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ 9, ये परफेक्ट स्क्वेयर आ जाएगा। उसके बाद 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, ये 4 का स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास। जी तो स्टूडेंट, हमने पहले बात की स्क्वेयर्स की, नंबर एक नंबर को खुद ही उसके नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या आ जाता है, उसका स्क्वेयर आ जाता है। मसलन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास का 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वेयर आ जाता है, वो क्योंकि 2 को 2 से 2 टाइम इक्वल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो वो आ जाता है स्क्वेयर। अब आ जाती है बात स्क्वेयर रूट की, सेकंड वैल्यू स्क्वेयर रूट, द नंबर दैट फॉर्म्स अ स्क्वेयर व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड द स्क्वेयर रूट ऑफ दैट नंबर दैट प्रोडक्ट। अब हमारे पास नंबर जो जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, यानी कि ये अगर मैं 4 का बात करूं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। वो जो नंबर होता है जो मल्टीप्लाई होता है खुद इटसेल्फ इक्वल वैल्यू के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है, इसका स्क्वेयर रूट कहलाता है। जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल दी परफेक्ट स्क्वेयर की, मैंने क्या बात की, स्क्वेयर रूट की बात की, 9 इज द परफेक्ट स्क्वेयर। 9 का परफेक्ट स्क्वेयर किसका है जी, 9 इज द परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आ जाएगा, तो 9 इज द परफेक्ट स्क्वेयर, 9 परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ 3, मैंने इसकी बात लिख दी। और जो 3 जो वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, ये जो वैल्यू है ये तो स्क्वेयर रूट ऑफ 9 है। 3 जो वैल्यू हमारे पास, जिस जो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं इक्वल वैल्यू के, वो जो नंबर आता है वो होता है उसका स्क्वेयर रूट। और स्क्वेयर रूट को हम कैसे लिखते हैं, अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3, इसका स्क्वेयर रूट किसका आंसर है। अगर मैं पूछूंगा 9 का स्क्वेयर रूट क्या आता है, तो उसका आंसर क्या आता है, 3। स्क्वेयर रूट की वैल्यू क्या होती है, स्क्वेयर रूट की वैल्यू होती है 1/2। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 1/2 को सॉल्व करूं, स्क्वेयर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, अगर मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं जरा, अगर आप देखें, तो स्क्वेयर रूट ऑफ 9 लें तो क्या आ जाता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाता है। 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, मैंने स्क्वेयर रूट की वैल्यू बताई क्या होती है, 1/2, ये 3 का स्क्वेयर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 का स्क्वेयर। और जो उसकी वैल्यू क्या मैंने बताई, 1/2, 2 को कैसे कैंसिल करेंगे, 3 की पावर 2 इंटू 1/2, तो क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 3। ये हमारे पास किसका, 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूं, वो वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही हो, इटसेल्फ इक्वल वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, वो उसका जो वैल्यू होती है वो स्क्वायर रूट कहलाती है। मतलब 9 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालना चाहूं तो 9 दो वैल्यू से मिलकर बनता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 का स्क्वायर। हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू, मैंने कहा स्क्वायर रूट की वैल्यू, ये जो स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है हमारे पास। इसी तरह अगर मैं 16 का करना चाहूं, देखें अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूं, स्क्वेयर रूट ऑफ 16 क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, दो इक्वल वैल्यूज, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और 1/2 से अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं स्क्वेयर रूट की वैल्यू को, 4 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो क्या आ जाएगा, स्क्वेयर रूट क्या आ जाएगा, 4। क्या आ जाएगा, 16 का स्क्वेयर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, 4।
जी तो स्टूडेंट आई होप आपको स्क्वायर रूट की समझ आ गई होगी। अब इसमें एक स्पेशल चीज जो मैं थोड़ा सी बात समझाना चाह रहा था वो ये था कि अगर आप स्क्वायर किसी भी चीज का स्क्वायर रूट लेते हैं नेगेटिव अगर वैल्यू हो, अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो फिर तो ठीक है, 2 2 4 4 का स्क्वायर रूट 2 ही आएगा, 3 3 9 इसका भी स्क्वायर रूट जो होगा 3 आएगा, 4 4 16 इसका स्क्वायर रूट जो आएगा वो 4 ही आएगा। लेकिन अगर अगर इंटीजर्स नेगेटिव में हो, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करें, -2 और -2 क्या होता है, माइनस और माइनस प्लस 4 आता है, उसका भी स्क्वायर रूट 2 ही आएगा, -3 -3 प्लस 9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करने के बाद और इसका भी स्क्वायर रूट प्लस 3 ही आएगा, -4 -4 16 आएगा, यानी कि माइनस के भी स्क्वायर रूट अगर आप लेंगे तो स्क्वायर लेने का मतलब है कि उसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, प्लस में उसका आंसर आएंगे। अब मैं अगर स्क्वायर रूट लेता हूं, अब 5 का ले लेते हैं, 5 × 5 = 25 आता है, इसका स्क्वायर रूट लें तो क्या आएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं 5 का स्क्वायर 5 पावर 2 1 बाय 2 कैंसिल किया, आंसर इज 5, स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5। अगर मैं -5 और -5 का लूं तब भी 25 ही आता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, फिर इसका स्क्वायर रूट अगर मैं लूं 25 का स्क्वायर रूट फिर वही, तो हमारे पास 5 का स्क्वायर ही आएगा और आंसर हमारे पास 5 ही आएगा, यानी प्लस 5 ही हमारे पास आएगा इसका आंसर। जी स्टूडेंट्स आई होप कि आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की समझ आ गई होगी, इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब आपने इसको क्या करना है, होमवर्क आपका क्या है, आपने इसको लर्न करना है, इसको राइट करना है, अपनी डेफिनेशंस को इसकी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की डेफिनेशन नोटबुक के ऊपर आपने लिखनी भी है और याद भी करनी है।